लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थी और नाउ वी डिस्कस अबाउट वेस्ट वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए वी नीड टू यूज क्लीन वाटर हमें क्लीन वाटर की आवश्यकता होती है विलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री सफर फ्रॉम वाटर वन डिजीज हमारे कंट्री uh, में विलियंस पीपल ऐसे हैं जिन्हें वाटर बॉन्ड डिजीज हो ही जाती है एज दे कंज्यूम अनक्लीन वाटर क्योंकि वो क्या कर जाते हैं अनक्लीन वाटर को कंज्यूम कर जाते हैं इनटेक कर जाते हैं दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और ये गंदा पानी पीने लायक नहीं होता क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर यानी कि जो क्लीन वाटर है जिसे ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे वाटर को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं जो पॉइंट फाइव परसेंट ही आपकी बुक में बताया गया था कि है इट इज कलरलेस यह कलरलेस होगा ऑर्डरलेस इसमें स्मेल या किसी मतलब कोई भी खुशबू नहीं आएगी एंड फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड एम्प्योरिटीज और इसमें किसी भी तरह की सस्पेंडेड एम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी है ना स्टूडेंट अब हम बात करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी डब्ल्यू डब्लू टीपी की ठीक है वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ, वेस्ट वाटर को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते हैं ए सीवेज कंटेंट सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज हार्मफुल केमिकल्स जर्म्स सो द प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूविंग ऑफ फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कंटामेंट जो कि वेस्ट बार, वाटर में है उन्हें हम रिमूव करेंगे ठीक है जो इसमें सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं जो इसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं इन सबको हम अलग करेंगे टू द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तो क्या क्या इसमें स्टेप हैं वो हम जान लेते हैं एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे स्टेप फाइव स्टेप वन स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड में हम एक बार देख लेते हैं स्टेप वन द वेस्ट वाटर इज पास थ्रू पैरेलल वार स्क्रीन विच हेल्प टू रिमूव सॉलिड मटेरियल लाइक कैंस स्टिक्स प्लास्टिक बैग्स तो हम यहाँ पर हमारे पास ये कुछ मतलब पैरल यानी समांतर कुछ आ, एक बार स्क्रीन होगी हम इसे यहाँ से गुजारेंगे और जब हम इसे गुजारेंगे तो इसमें से जो बड़े बड़े सॉलिड मटेरियल हैं जैसे कि कैन वगैरह हैं प्लास्टिक बैग हैं ये सब रिमूव हो जाएंगे यहाँ पे स्टेप टू में क्या करेंगे वाटर इज देन पास थ्रू सेटल टैंक कॉल्ड ग्रिट चैम्बर और फिर उसे हम ग्रिट चैम्बर में भेज देंगे जिसे हम सेटल टैंक कहते हैं so यहाँ जो स्पीड है वाटर की वो कम होगी जिससे की इसमें जो सेंड है ग्रिट्स हैं कंकड़ पत्थर पेवल्स हैं ग्रेविल्स हैं ये सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे ये जमीन पर सेटल डाउन हो जाएंगे ठीक हो जिससे कि इन्हें रिमूव किया जा सकता है स्टेप थ्री में क्या करने वाले हैं नेक्स्ट द वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक सेडिमेंटेशन होता है next, sedimentation sedimentation हो निथारना तरी में बैठना जैसे आपने एक ग्लास में बालू डाल दी तो वो सेडिमेंट हो जाती है क्या हो जाती है सेडिमेंट तो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें हम क्या करने वाले हैं वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक कॉल्ड अ क्लैरिफायर तो इसे यहाँ पर सेडिमेंटेशन होगा वह हम क्लैरिफायर कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे क्लैरिफायर इन द टैंक द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर सेटल डाउन विच इज देन रिमूव्ड विद द स्क्रैपर तो इसे स्क्रैपर से हम अलग कर देंगे जो कि सेटल डाउन हुआ है जिसका सेडिमेंटेशन हुआ है हम उसे स्क्रैपर के द्वारा अलग कर देंगे द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर दैट सेटल डाउन इज कॉल्ड स्लज जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है जो सेटल डाउन हुआ है उसे हम स्लज कहेंगे ऑर्गेनिक माने कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बनिक सब्सटेंस है uh, like क्रिमर्स इज़ यूज हम क्या करने में करेंगे यहां इसके ऊपर जो ऑयल फ्लोट कर रहा है या कोई ग्रीस फ्लोट कर रही है हम उसको अलग करने में उसकी हेल्प लेंगे द वाटर दैट इमर्ज फ्रॉम द सेटल टैंक इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर यानी कि जो वाटर इमर्ज था जो ए, इमर्ज था कहां पर सेटल टैंक में उसे हम क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे कौन सा वाटर कहेंगे क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे पोर्टेबल uh, वाटर कौन सा होता है एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऐसा वाटर जो फिट हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसे हम कहेंगे पोर्टेबल वाटर ओके स्टूडेंट थैंक यू थैंक यू वेरी मच